हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देख लीजिए, आज की रेसिपी है हमारी, और उसमें डाल दिया है मैंने क्या नाम उसका, जीरा, और ये धनिया, हल्दी, मिर्चा और हरी मिर्च सब डाल के इसमें डाल देंगे। देखिए, हरी प्याज की रेसिपी। इसको डालने के बाद सब पका लेंगे। अभी मिर्चा डाल दिया है, और डालने के बाद इसको पकाएंगे, और फिर उसके बाद में हरी प्याज जो कटी हुई है वो डालेंगे। और प्लीज़ भैया दीदी, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। अब टमाटर डाल दिए इसमें, इतना चीज़ डालते जाएंगे उतना हम बताते जाएंगे। अब यहाँ पे हरी प्याज डालेंगे। पक जाने के बाद में और हरी प्याज जो है कढ़ाई धो लें, आलू हरी प्याज जो है सब लोग, बहुत लोग तो आलू पहले पका लेते हैं उसके बाद में हरी प्याज डालते, लेकिन हम आलू इसी में पहले पका लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे आलू ऐसे मसाले के साथ, फिर उसमें हरी प्याज डाल देंगे। और भैया दीदी, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, और ना भी अच्छी लगे तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट में, मेरी वीडियो में क्या कमी है, और मैं ज़रूर सुधार करूँगी। मैं भी न्यू हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, इसीलिए अब यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। देखिए, और यहाँ पे नमक डालने के बाद चला देंगे, चलाने के बाद हम ये देखिए चला रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे बनी सब्ज़ी। और यहाँ पे हरी प्याज अब डालेंगे, काफ़ी यहाँ से 2-3 मिनट तक इसको पका लेना है, उसके बाद में हरी प्याज डालना है। ये देखिए हरी प्याज पड़ गई है, और इसको जो है धीमी आंच पे पकाते हैं, गैस का लो फ्लेम कर लें, उसके बाद में पकाएं। जब पक जाए सब्जी तो इसमें जो है थोड़ा भून लें, थोड़ा हाई फ्लेम पर भून लें, भूनने के बाद फिर खाएं। आप लोग देखना कितनी टेस्टी बनी थी, हम लोगों ने भी खाई, इतनी टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी। और हाँ, आप लोग ये भी याद रखना, जब प्याज लेना तो इसमें जो है टाइट प्याज ना हो। हमने बंद कर दिया था रिकॉर्डिंग, बाबू रोने लगा था, और इसके ये याद ज़रूर रखना कि प्याज जो हो टाइट ना हो, नॉर्मल हो बिल्कुल, ताज़ी टूटी हुई तो ही अच्छी बनेगी, अगर ज़्यादा दिन की रखी हुई हुई तो नहीं अच्छी बनेगी। देख लीजिए, अब इसको ढक के पकाते हैं, हर 2-3 मिनट बाद उसको खोल खोल कर देखते रहिएगा और पक जाएगी। यहाँ पे स्पीड थोड़ा तेज़ कर देते हैं। देखिए, हमारी ये प्याज जो है पक चुकी है बिल्कुल, अब इसको सिर्फ भूनना रह गया है, अभी हम भूनेंगे। और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, हम चाहे जितना भी करें लेकिन आपके सपोर्ट के बिना सब कुछ अधूरा है, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ दीदी भैया सब लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। देखिए, मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, सिर्फ उसको भूनना रह गया है, अभी भूनेंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम कर दिया है, उस पर भूनेंगे। ये देखिए, सब्ज़ी बिल्कुल पक गई, एकदम छोटी कढ़ाई में बनाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ भैया लोग, आप लोग मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।